मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के सभी छात्रों को सुप्रभात। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल से मैं एनके शर्मा, आपका हिंदी शिक्षक। प्यारे बच्चों, हमने पिछले क्लास में हमारा एक नया चैप्टर प्रारंभ किया था जिसका नाम है लखनवी अंदाज। जी हाँ, हमारे गद्य खंड से हमारे सीरियल में क्षितिज में 12वें नंबर का चैप्टर लखनवी अंदाज, यशपाल जी इसके लेखक हैं। और यशपाल जी के बारे में जब हमने पढ़ा था कि उनका बीए जो है वो लाहौर यूनिवर्सिटी से हुआ, और उस समय हमारा देश जो है एक ही था, अलग पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था जिसमें इनका जन्म हुआ था, तो इनकी भाषा भी हिंदी के साथ साथ उर्दू की तालीम जो है बहुत अच्छी इनकी थी। तो हमने इस चैप्टर में देखा भी है पढ़ते समय कि बहुत सारे उर्दू के शब्दों का बहुत ही अच्छे ढंग से लेखक ने प्रयोग किया है। इस पाठ को लिखने के लिए लेखक जी ने सबसे पहले अपने लिए एक चुनौती तय की थी कि ये उन स्थापित कहावतों को या स्थापित मान्यताओं को चैलेंज करना चाहते थे, चुनौती देना चाहते थे कि कहानी लिखने के लिए कोई ना कोई तथ्य आवश्यक है। उनका कहना ये था इस कहानी के माध्यम से कि कोई आवश्यकता नहीं, हम जो देखते हैं उसी को हम तत्काल कोई भी कहानी बना सकते हैं। ऐसा उन्होंने करके दिखाया भी इस पाठ में, और बड़ी साधारण सी घटना को उन्होंने उठाकर लिखा है कि एक बार वो किसी जगह जा रहे थे, हमने शॉर्ट समरी में पढ़ा है, कहीं जाने के लिए जैसे स्टेशन पहुंचे ट्रेन छूटने वाली थी, और उन्होंने कहा कि जितना देर है मैं बढ़िया खिड़की किनारे बैठ के अपने कुछ नए चैप्टर्स के बारे में, कुछ नई रचनाओं के बारे में सोचूंगा और लिखूंगा। वो विषय ढूंढ ही रहे थे कि किस विषय में कहानी लिखी जाए, और जैसे ही उन्होंने ट्रेन चलते समय एक रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में जा करके बैठ गए, वहां पर उन्होंने देखा एक अजीब हाव भाव वाले व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है। वो व्यक्ति उनके आने से बहुत खुश तो नहीं होता, एक बनावटी मिजाज का व्यक्ति उन्हें मिलता है, और उस व्यक्ति के हाव भाव को देखकर ही लेखक समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के रूप में मुझे अपनी कहानी का एक नया विषय मिल चुका है, ये लेखक का कहना था। तो बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसके एक एक हाव भाव को लेखक देखते हैं कि किस प्रकार से वो सामंती विचारधारा का व्यक्ति है, मतलब अपने आप को वीआईपी समझने वाला, सामान्य लीग से हट करके एक अलग दर्जे का अपने आप को समझने वाला व्यक्ति, जो खीरे खाने के लिए लिया हो लेकिन एक रिजर्व कंपार्टमेंट न होने के कारण, या लेखक क्या जाने के कारण उसकी प्राइवेसी जैसे भंग होती हो, तो अब वो कैसे इनके सामने खाए, या अपने रुआब को वो कैसे दिखाए कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। इस तरह से उसने हाव भाव दिखाया कि लेखक मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने खीरे को छिला, जिसे खाने के लिए लिया था उसे खाने के बजाय सूंघ सूंघ कर बाहर फेंक दिया, और लेखक समझ गया कि ये व्यक्ति जो है थोड़े से प्रदर्शन वाला है, दिखावटी जीवन जीने वाला व्यक्ति है। भले ही इसने खाने के लिए खीरे लिए और अकेले में होता तो बड़ा स्वाद दे लेके खाता, लेकिन अब इसे लगता है कि मैं इसके सामने कैसे खाऊं, थोड़ी सी अब मैं वीआईपी हूं, मैं ये साधारण खीरे खाकर अपनी भूख कैसे मिटाऊं। तो उसने ना खीरे खाए, फेंक दिए और लेट गया, और लेटने के बाद डकार भी ली। तो लेखक को ये बड़ा आश्चर्य हुआ, और लेखक ने अपनी कहानी में यहीं पर समाप्त करते हुए लिखा कि मुझे जो है अब अपनी कहानी का विषय भी मिल गया। तो दो बातों पर इस पूरे पार्ट में हमें सीखना क्या है, आखिर इस पूरे चैप्टर से हमें सीखने के लिए क्या मिलता है, यह अब प्रश्न उठता है। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में यशपाल जी ने व्यंग किया है ऐसा दिखावटी जीवन जीने वाले लोगों पर, जो सामान्य ना जीवन ना जी करके एक असामान्य परिस्थिति में लोगों को दिखाने के लिए अपना जीवन जीते हैं। तो ये प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पहला प्रहार है। कभी भी हमें जीवन में ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, वास्तविक जीवन जीना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही लोगों को और लोगों को समझना चाहिए। तो ये पहला जो है इस पाठ का संदेश है। दूसरा संदेश तो लेखक ने स्वयं लिखा ही है कि मुझे अपनी कहानी के लिए एक विषय की जरूरत थी, और इस अजीबोगरीब व्यवहार वाले व्यक्ति के रूप में मुझे वो विषय मिल गया।
कुल मिला के हमारे देश में ऐसे अपने आप को वीआईपी समझने वाले लोगों की संख्या बहुतायत है और यशपाल जी ने वैसे ही दिखावटी जीवन जीने वाले लोगों पर ये व्यंग किया है। और हमने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते देखा भी है कि यशपाल जी कितने सिद्ध हस्ते अपने कहानी लेखन बड़ी ही चतुराई के साथ बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए बिल्कुल धारा प्रवाह रूप में उस छोटी सी घटना का उल्लेख किया है और यही उनकी लेखन की शक्ति थी। वही उनकी शक्ति थी लेखन की कि वो किसी भी घटना को सामान्य सी घटना को असाधारण बना देते थे। अपनी उस छोटी सी ट्रेन की आधी घंटे की जर्नी को उन्होंने इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है कि वास्तव में हम सभी के वो पढ़ने के लायक है, आचरण में उतारने के लायक है। और न केवल उन्होंने कहानी लिख दी बल्कि हमें एक संदेश भी दे दिया कि हमें अपने जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटी सी और बहुत अच्छी कहानी यहाँ पर हमारी समाप्त होती है यशपाल जी की। अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन कौन से प्रश्न का उत्तर हमें क्या लिखना चाहिए और कैसे इनके प्रश्नों के उत्तर हम लिखें। सबसे पहला प्रश्न जो है हमें ये लिखने के लिए दिया गया, उससे पहले हम एक सलाह देंगे कि हम आप जो है अपनी बुक में नोटबुक में सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स लिखें। वर्ड मीनिंग्स लिखना क्यों आवश्यक है, ये इससे हमारा आपका जो शब्द ज्ञान है जो उर्दू के सामान्य शब्द बोलचाल की भाषा में हमारी हिंदी में मिक्सअप हो गए हैं या अक्सर हमें कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिल जाते हैं, तो इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग आपको जरूर लिखना चाहिए। जो शब्द ज्ञान है, जो शब्द संपदा हमारी टेक्स्ट बुक में है, उसे आप जरूर अपनी नोटबुक में सबसे पहले लिखें, उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर लिखें। इससे हमारा न केवल शब्द ज्ञान बोलचाल की भाषा मजबूत होगी बल्कि हम समझ भी सकेंगे कि उर्दू के कौन कौन से शब्द जो हैं वो हिंदी में पूरी तरह से मिल चुके हैं, मिक्सअप हो गए हैं। और पहला प्रश्न इसमें है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से ये महसूस हुआ कि वो लेखक से बात करने के लिए वो नवाब साहब बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। तो लेखक ने सबसे पहले ये देखा, जैसे वो गए एक अजीब सा चेहरा उसने बना लिया नवाब साहब ने, जो नवाब साहब का नवाबी रुआब दिखाते हुए शख्स बैठे थे, और उनको लगा कि अरे ये कौन आ गया, कहां मैं अकेले सफर करूंगा सोच रहा था, मानो उनकी एकांत में बाधा पड़ गई हो। तो लेखक को ऐसा लगा कि ये व्यक्ति उनके आने से बिल्कुल भी इस कंपार्टमेंट में खुश नहीं है। और जब वो आके बैठ गए सामने लेखक, तो फिर उसने नवाब साहब ने नुमा व्यक्ति ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, वो बाहर खिड़की की तरफ देखने लगे। तो ऐसी ही घटनाओं से लेखक को ये लगा कि वो जो नवाब साहब है वो बिल्कुल भी इनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, और खीरा काटा, मिर्ची भुरककर और सब किया, लेकिन सूंघ कर उसे बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा, उनका ऐसा करना ऐसे उनका किस स्वभाव की ओर इशारा करता है। तो जैसा कि हमने इस स्टोरी में पढ़ा है कि ऐसा व्यवहार जो है नवाब साहब का, वो उनके अहंकारी और दिखावटी स्वभाव की ओर इशारा करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खीरा खरीदा था खाने के लिए और उन्होंने सोचा था कि मैं अकेले बढ़िया कंपार्टमेंट में रहूंगा और बड़े मजे से खीरे को नमक डाल करके, मिर्ची और वो सब डाल के खाऊंगा। लेकिन अब अकेले रहते तो वो खा भी लेते, अब उन्हें एक व्यक्ति मिल गया जो सामने उनके बैठा है, तो अब उनको मौका मिल गया अपनी रईसी दिखाने का, अपने दिखावे को बाहर लाने का। लखनऊ के नवाब जैसे अपनी नजाकत के लिए, अपने दिखावे के लिए, शान और शौकत के प्रदर्शन के लिए मशहूर है, वैसा ही ये व्यक्ति था। इसे भी दिखावा करने का बड़ा शौक था। अब इसने दिखाया कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं और हम कोई साधारण आदमी नहीं है, ये खीरे वीरे हम केवल सूंघ कर ही हम इसे तृप्ति पा जाते हैं, ऐसा उन्हें प्रदर्शन करने का अवसर मिल गया। जैसे ही लेखक जो है उस
कंपार्टमेंट में आते हैं, उस बोगी में घुसते हैं। अगर लेखक नहीं आते तो ये अपना आप बड़ा असाधारण मन से खीरा खा भी लेते, पचा भी लेते, लेकिन जैसे ही सामने कोई व्यक्ति दिखा, मानो उनको अपनी नवाबियत दिखाने का अवसर मिल गया, नवाब साहब का जो रुतबा और रुआब उन्हें दिखाने का अवसर मिल गया। तो ये जो तरीका था, जो सुनकर खीरे को बाहर फेंक देना, ये नवाब साहब की अहंकारी और दिखावटी जीवन जीने का प्रदर्शन मात्र था। ये इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। अगले प्रश्न के लिए हम फिर से अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।